यहाँ पे पांच तरह की चटनी है, इधर तो देख ले। चटनी का नाम बताओ तो, ये लाल चटनी है, ये थोड़ी ज्यादा लाल चटनी है, वो सफेद चटनी है, वो थोड़ी कम सफेद चटनी है, और ये हरी चटनी है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और फिलहाल करण भाई और मैं कहीं जा रहे हैं बाहर को खाना वाना खाने, उसके बाद देखते हैं जो भी हमारा प्लान बनेगा। बाकी फिलहाल हमें लेट हो रही है, हम निकलते हैं, बाकी रास्ते मिलते हैं। फिलहाल निकल रहे हैं हम गेड़ी मारने, मिस्टर वन एंड ओनली द ओजी, इधर तो देख। तो फिलहाल दिन भर मतलब ऐसे बोर बोर से हो गए थे हम, काम वाम था नहीं जीवन में, तो फिलहाल हम कुछ खाने वाने जा रहे हैं, ऐसे गेड़ी मारने जा रहे हैं, बाकी और तो कुछ है नहीं फिलहाल जीवन में। पेट्रोल भराया जा रहा है। ये मिस्टर करणदीप चौहान, सुबह हो गई है मामू। मौसम देख सकते हो तुम, आजकल मौसम बहुत ही ज़्यादा सही हो रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है, और आजकल मतलब ना बिल्कुल ऐसे गर्मी वर्मी इतनी नहीं हो रही, बस खाली ह्यूमिडिटी हो रही है थोड़ी। एक तो ट्रैफिक इतना हो रहा है आजकल जीवन में, आधा घंटा तो ऐसे लेट हो जाने वाले हम कहीं भी जाने के लिए। रात भर इंटर्नशिप का काम करने के बाद कुछ ऐसी हालत हो जाती लोगों की, यूएसए के क्लाइंट से डील करना होता है। हम खाना खाने के लिए, और ये है अपना कोई ऐसा रेस्टोरेंट, और आ गया है हमारा खाना। यहाँ पे पांच तरह की चटनी है, इधर तो देख ले। चटनी का नाम बताओ तो, ये लाल चटनी है, ये थोड़ी ज़्यादा लाल चटनी है, वो सफ़ेद चटनी है, वो थोड़ी कम सफ़ेद चटनी है, और ये हरी चटनी है। बाय द वे गाइस, इस रेस्टोरेंट के पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे बड़ा डोसा होने का, 30 फीट का डोसा था। जो खाना वाना खा के हो गया हमारा, और मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा खाना, आपको अच्छा लगा भाई? मस्त है भाई, इडली तो बहुत अच्छी है। आप भी जरूर आए संकल्प रेस्टोरेंट में, ये है यहाँ पे GMS रोड के पास। अभी मिलाते हैं मालिक से, मिलाते हैं आपको यहाँ के ओनर संकल्प रेस्टोरेंट के। हेलो गाइस, बताओ कुछ रेस्टोरेंट में आने का। सो संकल्प एक बहुत बड़ी चेन है, और ये देहरादून में उत्तराखंड में फर्स्ट आउटलेट है, तो मेरी आप लोगों से बस ये दरख्वास्त रहेगी कि आप लोग प्लीज़ एक बार विज़िट करें, और ऑथेंटिक साउथ इंडियन टेस्ट आपको मिलेगा। और हमारे पास वैरायटीज़ ऑफ डोसा, वैरायटीज़ ऑफ इडलीज़, और एवरी डिश इज़ सर्व्ड विद 5 वैरायटीज़ ऑफ चटनी। सो एक बार प्लीज़ आप विज़िट करें, ये मेरी आपसे ये मेरी आपको गारंटी है कि आप एक बार आएंगे तो ज़रूर आप किसी न किसी को रिकमेंड ज़रूर करके जाएंगे यहाँ से, तो एक बार इस जगह का डोसा ज़रूर खाना। तो और रीज़नेबल है, प्राइसी भी नहीं है, वो आपको हो सकता है लगे किसी के कहने पे, लेकिन ऐसा है नहीं, जब आप खाएंगे तो आपको टेस्ट की वर्थ खुद ही पता चलेगी। तो आप प्लीज़ एक बार आएँ, GMS रोड पे ये आउटलेट है, जहाँ पे ट्रेंड्स का शोरूम है, होटल कमला पैलेस के वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो एक बार मौका ज़रूर है। आ चुका है करण भाई और मैं खाना वाना खा के। बाय द वे, जो ये अभिनव भाई थे वो मेरे मॉडलिंग के शो के टाइम पे मुझे मिले थे, और अभी हम आए उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने। अब हम वापस जाते हैं रूम पे, काम वाम करना है करण भाई को अपनी इंटर्नशिप का, चलते हैं वापस। अभी काम वाम करना है इंटर्नशिप का करण भाई की, तो रात की मीटिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है, मतलब मीटिंग का काम पूरा नहीं है करण भाई ने, नींद बहुत है करण भाई की आंखों में। लोकेशन की बात करी जाए तो जो है GMS रोड पे रिलायंस ट्रेंड्स का है मॉल, उसके जस्ट सामने पे है यहाँ पे संकल्प रेस्टोरेंट, आप जरूर से आए एक बार विजिट करें। बाकी क्या कहना चाहेंगे करण भाई आप? उसके नाम पे 5 स्टार, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा है, प्रमोट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे प्रमोट करा जाएगा भाई, खाना बहुत अच्छा था इडली तो वाह। तो मैं करण यहाँ आने वाले साउथ इंडियन खाना ज़्यादा खाता नहीं था, और आज के बाद शायद करण भाई ट्राई करेगा साउथ इंडियन। क्यों करण भाई? नेक्स्ट डेट हमारी डेस्टिनेशन होगी, अगली डेट यहीं करूँगा मैं। लड़की तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। हम फिलहाल कैफे से खाना वाना खा के अभी फिलहाल हमें थोड़ा बहुत काम करना है, उसके बाद शायद हम शाम को अगर घूमने जाएंगे तो लेट्स सी, प्लान तो बन रहा है हमारा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बाकी देखते हैं। गाइस हैवी गेम प्ले चल रहा है यहाँ पे, मिस्टर जिगर भाई, फूसे भाई भी हैं यहाँ पे, फूसे भाई। One eternity later. अभी हमारा करण और मेरा अचानक से प्लान बनाएंगे घूमने जाने का, तो करण और मैं बस तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद मिलता हूँ मैं, बताऊँ भाई और मैं हो चुके हैं तैयार, और अभी हमारा प्लान बना है ऊपर कहीं मसूरी साइड जाने का। लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं, अभी हमने फिक्स नहीं किया, पर ऊपर मसूरी साइड कहीं जाएंगे। हम और करण भाई गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे, आगे देख ले भाई। हाँ, और करण भाई गाड़ी चला रहे हैं, बस निकल रहे हैं हम यहाँ से। तो बाहर तो हम निकल गए थे मसूरी जाने के लिए, पर थोड़ी सी टेक्निकल समस्या आ गई, इतने बारिश शुरू हो गई थी, पर ठीक है अब देखते हैं मौसम कैसा हो रहा है। आजकल थोड़ी हल्की हो गई है बारिश, बस निकल रहे हैं अभी। चुके हैं हम मैगी पॉइंट मिस्टर करण चौहान के साथ, और करण भाई यहाँ पे बारिश में, हालांकि और ठंडा हो रहा है बहुत, बाकी दिस इज द व्यू, बहुत ठंडा है तो हाथ थक गए। और फिलहाल हम पहुंचे हैं मैगी पॉइंट, यहाँ की दुकान तो बंद हो गए, ठेले में रुके हम यहाँ पीछे।
एक पॉइंट पे हमने चाय वाय पी ली थी और अंडे वंडे खा लिए थे, अब हम मैगी पॉइंट से निकल गए। पीछे व्यू भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है, देख सकते हो अगर दिख रहा हो तो।